बारे में हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत अहम टॉपिक के साथ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर पार्ट वन और पार्ट टू की फाइनल डेट शीट के बारे में। डेट शीट क्या है, किस दिन कौन कौन सा पेपर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आए चलते हैं, हम सब पहले बात कर लेते हैं इंटर पार्ट टू की जो डेट शीट है उसमें सबसे पहला पेपर आपका फिजियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम इकोनॉमिक्स ग्रुप जो है उनका फ्राइडे को 19 अप्रैल को पहला पेपर होगा और 20 को होगा केमिस्ट्री का एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। 22 को इंग्लिश कंपलसरी का होगा, 23 को हिस्ट्री का होगा, ठीक है जी। इसी तरह 24 को फिजिक्स का होगा, एजुकेशन का होगा, ठीक। इसके बाद 25 को पंजाबी का होगा, अरबी का होगा, बिजनेस स्टैटिक्स का होगा। 26 को तजमतुल कुरान का होगा, 27 को इकोनॉमिक्स, 29 को कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, 30 को इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। और इसी तरह 2 को होगा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का, ठीक है जी। इसी तरह 3 को होगा पाक स्टडी का, ओके। इसके बाद 4 को होगा स्विक्स या बैंकिंग का और कंप्यूटर स्टडीज़ का, कॉमर्स ग्रुप वालों का, ठीक है जी। और 6 को होगा उर्दू का। ये थी इंटर पार्ट टू की डेट शीट। इंशाल्लाह यही उम्मीद है यही फाइनल आपकी डेट शीट होगी, मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे। अब बात करते हैं इंटर पार्ट वन की डेट शीट के बारे में। इंटर पार्ट वन का पहला पेपर 7 मई को इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। 7 मई को पहला पेपर है सिविक्स का या बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा, 8 को होगा इंग्लिश का, 9 को इस्लामिक एजुकेशन का यानी कि कंपलसरी का, इस्लामिक कंपलसरी का होगा। और इसी तरह 10 को इकोनॉमिक्स, 11 को उर्दू और 13 को केमिस्ट्री का होगा यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का होगा, और 14 को पंजाबी, अरबिक और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स होगा, ठीक है जी। 15 को फिजिक्स का होगा या एजुकेशन का होगा या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का होगा, और 16 को होगा फिजियोलॉजी का या क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का, 17 को तजमतुल कुरान, 18 को हिस्ट्री का होगा और 20 को मैथमेटिक्स का होगा या बायोलॉजी का होगा, ओके। 21 को होगा इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव का, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का, ठीक है जी। और 22 को होगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है जी। ये थी इंटर पार्ट वन की डेट शीट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब बगैर टाइम वेस्ट की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किस टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।